बनाले अड्डे मैंगलोर का एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। बनाले मतलब तुलु में कढ़ाई और अड्डे मतलब ब्रेकफास्ट पे बनने वाला स्नैक। ये रेसिपी कढ़ाई पे बनता है इसलिए इसे बनाले अड्डे बोलते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना। ये एक तरह का पैनकेक है जो चावल, नारियल और गुड़ से बनता है। आजकल के प्रोसेस्ड ब्रेकफास्ट ऑप्शन से ये काफ़ी बेटर है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। स्टेप वन है चावल को भिगोना। यहाँ पे 3 कप रेगुलर व्हाइट राइस लिया है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। उसे अच्छे से धो के रात भर सोक करेंगे या कम से कम 2 से 3 घंटे इसे सोक करना है। स्टेप 2 है सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करना। भिगाए हुए चावल के अलावा हमें 1 कप किसा हुआ नारियल, 1 कप गुड़, 1 कप पोहा और 5 से 6 इलायची और थोड़ा नमक लगेगा। हम यहाँ पे इसका एक मीठा वर्जन बना रहे हैं। आप चाहो तो गुड़ को स्किप करके भी बना सकते हो, जिसे आपको चटनी या सांभर के साथ खाना पड़ेगा। अगर आप मीठा बनाओगे तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। इन सबको मिला के हम अच्छे से एक इसका बैटर बनाएंगे। इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक इडली बैटर की तरह ही इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। मेरा बैटर यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मैं स्टार्टिंग में शूट करना भूल गई। स्टेप 3 है बनाले दड्डे बनाना। एक डीप कढ़ाई लीजिए। हमने यहाँ पे घी और नारियल का तेल दोनों ही ऐड किया है। थोड़ा सा गर्म होते ही चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। उसके बाद 3 से 4 चम्मच भर के ये बैटर ऐड करेंगे। फ्लेम को एकदम लो रखना है और अच्छी तरह से स्प्रेड करिए इवनली। ये थोड़ा सा थिक पैनकेक की तरह होता है, डोसे की तरह पतला नहीं होता है। बीच से एकदम मोटा मत रखिए, नहीं तो बीच से कच्चा रह जाएगा। एकदम लो फ्लेम पर ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जब आपको दिखेगा कि ऊपर से ये ड्राई हो चुका है तब इसे धीरे से पलटना है। वापस कवर करके 2 से 3 मिनट कुक करिए और फिर आपका बनल दड्डे या राइस एंड कोकोनट पैनकेक रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि आप इसमें से गुड़ को स्किप करके भी इसे बना सकते हैं, जिसे आपको चटनी या सांभर के साथ खाना पड़ेगा। तो आप भी ये रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।